नमस्कार भैया, सम्राट भाई का सम्राट भाई के चैनल पे 15 दिन बाद स्वागत है। और आपका भी भाई नो कि तुम लोग यही सोच रहे होगे कि सम्राट भाई इतने इतने दिनों तक वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, इतने ज्यादा इरेगुलर क्यों होगा, क्या फिक्र नहीं है तुम अपनी ऑडियंस की या फिर चैनल की? ऐसा नहीं है भाई, फिक्र है। लास्ट टाइम बहुत देर वीडियो डाली थी, जस्ट बिकॉज मेरे पे एक स्ट्राइक आ गई थी। इस बार कुछ नहीं आया, बस इतना है कि इस बार मेरे पास आइडियाज नहीं बचे। बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, उदयपुर वाली, अमरावती वाली, लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियोस नहीं बनाना चाह रहा था, जस्ट बिकॉज ये इतने सेंसिटिव मुद्दे हो चुके हैं। अगर मैं अपने दिल की सच्ची बातें बोल दूंगा तो डेफिनेटली मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा या हो सकता है कि मुझे जेल हो जाए। शब्दों को सवाल के पॉलिटिकली करेक्ट होकर बोलना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो मैं इन मैटर्स पर बोलना नहीं चाहता था। और जब जब ये घटनाएं घटी, इतना माइंड अपसेट हो गया था कि इच्छा ही नहीं कर रही थी कुछ बोलने की, लेकिन फिर भी आज वीडियो लेके मैं आ गया हूं। हमारे आज मियां लॉर्ड्स के ऊपर मैं बात करूंगा, साथ ही साथ तुम्हारा जो बहम है कि सरकारें तुम्हें बचा लेंगी या फिर कोर्ट तुम्हें बचा लेगा या प्रशासन तुम्हें बचा लेगा, उस चीज के ऊपर भी डिस्कस करूंगा। एंड प्लस वन, वीडियो के एंड में बहुत जरूरी बात है, एक्चुअली वो हमारी और तुम्हारी बात है, मतलब अपनी भाई बंदी वाली बात है, तो वो जरूर सुनना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी एक चैनल की, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना। वो चैनल किसका? वो चैनल मेरा ही है। लास्ट 2-3 ईयर से मैं देख रहा हूं, और क्या देख रहा हूं तुम्हें वीडियो का एंड में बताऊंगा, खैर ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। बस इतना कहूंगा कि अगर तुम्हें पॉलिटिकल वीडियोस देखनी है, एजुकेशनल वीडियोस देखनी है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, अभी एक वीडियो डाल लिया और जैसे तुम सब्सक्राइब कर लोगे 10-12 हजार हो जाएंगे, रेगुलर हो जाऊंगा, कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करूंगा। बाकी तो ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो भैया जिनको बिल्कुल भी कहानी नहीं पता, मैं उन्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। बीजेपी की एक स्पोक पर्सन है जिनका नाम है नुपुर शर्मा, वो एक टीवी डिबेट में गई हुई थी। उस टीवी डिबेट में उनका जो पैनलिस्ट था सामने बैठा हुआ, वो शिवलिंग का मजाक उड़ाता है, जिससे ऑफेंड हो जाती है कौन? नुपुर शर्मा। और रिटेलिएशन में, इस वर्ड को याद रखना, रिटेलिएशन में नुपुर शर्मा मजाक उड़ा देती है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का, जिसके ऊपर काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और उतनी क्लिप को, जिसमें नुपुर शर्मा मजाक उड़ा रही होती है, उतनी क्लिप को एक हैंडल है जिसका नाम है जूबियर, शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे, अच्छी बात है ना जानो, वो हैंडल है उस वीडियो को शेयर कर देता है। और इतना वो शेयर हो जाता है कि उस पर 5-10 लाख व्यूज जाते हैं सिर्फ ट्विटर पे। बहुत ज्यादा मुद्दा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंटरनेशनल प्रेशर आने लग जाता है इंडिया के ऊपर, और कहीं ना कहीं हमारे अजीत डोवाल जी को भी इसके ऊपर स्टेटमेंट देना पड़ जाता है। अब इतना समझ में आ गया। तो ये जैसे ये मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ने लगा, वैसे ही 2 पार्ट्स में लोग डिवाइड हो गए। पहले लोग जो नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे वो लोग जो नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। अब जो लोग नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे थे, उनमें से एक इंसान जिसका नाम था कन्हैया लाल, जो कि एक दर्जी था उदयपुर में, वो सिर्फ फेसबुक पे एक पोस्ट डालता है कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, और ऐसा कहना है लोगों का। और उनके फैमिली वालों ने भी बताया कि वो पोस्ट उन्होंने भी नहीं डाली थी, उनके बच्चे ने डाल दी थी। तो उन्होंने जैसे ये पोस्ट डाली आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, उनके आजू बाजू में रह रहे कुछ लोग जो नुपुर शर्मा के अगेंस्ट, आप समझ सकते हैं वो कौन लोग होंगे, वो लोग जाके पहले FIR कराते हैं कन्हैया लाल की, जिसके बाद कन्हैया लाल खुद स्टेटमेंट देते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दे दो, लेकिन पुलिस नहीं देती। खैर उदयपुर राजस्थान की पुलिस से क्या ही देगी। उसके बाद ये लोग कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट में कुछ नहीं निकलता है, राजीनामा हो जाता है। उसके बाद ये लोग नहीं मानते, पड़ोसी जो उनके बगल में रह रहा होता है कन्हैया लाल जी के, वो उनका एड्रेस उठा के कुछ ग्रुप्स में डाल देता है। वो ग्रुप्स कौन है, इसके ऊपर आगे चल के वीडियोस आएंगी। उन ग्रुप्स में कन्हैया लाल जी का एड्रेस डाल देता है, 2 जिहादी लोग आते हैं कन्हैया लाल जी की दुकान में, घुसते हैं दिन दहाड़े, जो उनका स्लोगन है गुस्ता के रसूल की सजा सर तन से जुदा तन सर से जुदा, वो कर देते हैं। लिटरली वो लोग ये चीज कर देते हैं, इसकी वीडियो बना के डालते हैं। इनफैक्ट मोदी जी को भी धमकी दे देते हैं कि भैया अगर तुम नहीं सुधरे तो हमारे जो चाकू वो तुम्हारी गर्दन तक आएगा। खैर अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, किसकी गलती है क्या है। अब तक तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए कि ये जो चीज है वो पहली बार नहीं और आखिरी बार भी नहीं, ये एक सिनेरियो बन चुका है, पैटर्न बन चुका है, होता रहेगा। आज एक वीडियो इनके ऊपर बनाऊंगा, आने वाले टाइम पे किसी और के ऊपर हो सकता है किसी दिन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पैटर्न के पीछे कौन माफिया है, कौन लोग हैं, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। खैर अब चलते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर। जैसे ये मुद्दा कोर्ट में गया, एक्चुअली होता क्या है कि नुपुर शर्मा एक पिटीशन फाइल करती हैं, जिसमें वो ये कहती है कि उनके ऊपर अलग अलग जगह से FIR की जा रही है, अगर वो अलग अलग जगह जाएंगी तो डेफिनेटली उनकी जान को खतरा, और ये लॉजिक सी बात है। तो उनका इतना कहना था कोर्ट से कि ये जितनी भी FIR हो रही है वो सब एक ही जगह इकट्ठी हो जाए, वो एक ही जगह पेशी कर ले, ये उन्होंने पिटीशन फाइल की थी। लेकिन हमारे जो मियां लॉर्ड्स, वो इस पिटीशन पे ये जवाब देते हैं कि सबसे पहले तो नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इनका लॉजिक देखो, ये जजेस हैं, ये जजेस से इनके लॉजिक के हिसाब से नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन देश में बैठे कितने लोग ऑफेंड हुए हैं नहीं हुए, ये इनको कुछ सर्वे नहीं है, कोई इनके पास सैंपल साइज नहीं रखा हुआ है कि कितने लोग ऑफेंड हुए हैं, पूरा देश थोड़ी ना ऑफेंड हुआ है, जो लोग ऑफेंड हुए उनसे माफी मंगवाओ। दूसरी बात, आपसे मदद मांगी जा रही है कि सारी FIR एक जगह कर दी जाए, और आप ज्ञान दे रहे हैं कि भैया नुपुर शर्मा को सबसे माफी मांगनी चाहिए, मांग लेगी, लेकिन ये उतने में भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। नुपुर शर्मा ने माफी मांगी, लेकिन इनको चाहिए कि उसी टीवी डिबेट में जाए, पूरा एक इंटरव्यू करें और उसमें भैया खुल के माफी मांगे। मतलब क्या चाह रहे हो, लोगों को जस्टिफाइड करना चाह रहे हो या फिर खुद सेटिस्फाइड होना चाह रहे हो। अब जब मामला कोर्ट में गया तो वहां पे बात के लिए उदयपुर केस की, तो उस पे भी जज साहब ने उस पे भी ज्ञान दे दिया कि भैया उदयपुर में जो घटना हुई है उसकी सीधी सीधी जिम्मेदार है नुपुर शर्मा, ना नुपुर शर्मा ऐसा स्टेटमेंट देती, ना कन्हैया कुमार उनको सपोर्ट करता और उससे ऑफेंड होकर ना उनकी कोई गर्दन काट के जाता। इनके हिसाब से तुम्हारे घर में अगर कोई चोर आता है, चोरी करके चला जाता है, तो उसमें चोर की गलती नहीं, तुम्हारी गलती, तुमने
घर में पैसे क्यों रखे? चोर का काम तो चोरी करना है, वो तो चोरी करेगा ही। तुम घर में क्यों पैसे रखे हुए हो भाई? अपना घर जला के आराम से रोड पे रहो और रोड पे भी अच्छे से रहो। अगर कल को कोई बॉलीवुड स्टार आके तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा तो उसमें भी तुम्हारी गलती होगी, क्योंकि तुम रोड पे रह रहे हो ना भाई। वो स्टार तो पैसे वाला है, गवाह भी खरीद सकता है, वकील भी, और जिसकी तुम समझ रहे हो उसको भी। तो कुल मिला के अगर तुम्हारे साथ कोई क्राइम होता है तो इसमें गलती तुम्हारी रहेगी, उनकी नहीं जो क्राइम कर रहे हो। खरबूजा चक्कू पे गिरे या चक्कू खरबूजे पे, गलती खरबूजे की ही होगी अकॉर्डिंग टू माई मिया लॉर्ड्स। सब जानते हैं कि लास्ट 5 ईयर में इन्होंने कितने बेहुदा स्टेटमेंट्स दिए, कितने घटिया लॉजिक दिए, लेकिन फिर भी इनके ऊपर खुल के कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि कंटेंट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। ये खुद डिसाइड करेंगे कि इनको कौन क्रिटिसाइज करेगा, ये खुद डिसाइड करेंगे कि इनको कितना क्रिटिसाइज किया जाएगा, ये खुद डिसाइड करेंगे कि इनको बोला जाए या ना बोला जाए। भैया हम कौन है? सेकंड सिटीजन है क्या इस देश के? हमारे देश का संविधान तो हम सबको एक समान रखता है ना। अगर मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं क्रिमिनल। खैर, आपसे कौन बहस कर रहा है इस वाली बात पे? मैं ही क्रिमिनल हूँ भाई, मैंने क्रिटिसाइज किया, मैं ही गलत हूँ। देखो गाइस, एक सीरियस बात बताना चाहूंगा और काफी ज्यादा सीरियस है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। सरकारें तुम्हारी मदद करेंगी या फिर कोर्ट तुम्हारी मदद करेंगे या फिर तुम्हें समय पे न्याय मिल जाएगा, ये गलतफहमी मत पाल। ऑन सीरियस नोट, ये गलतफहमी पाल के तुम अपना कटवा ही रहे हो, तो कटवाने से अच्छा है कि कुछ और कटवा लो। एटलीस्ट वो कटवाने के बाद सेफ रहोगे, लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, और तुम्हारे क्रिमिनल होने पे भी ये बैठे हुए लोग तुम्हें विक्टिम बता देंगे। आपको कितने केस गिनाऊं जिसके बाद आपकी नींद खुलेगी? गाइस, नींद खोलो अपनी। ये जो आंखों में पट्टी बांधे हुए हो ना, एक्चुअली बंदी कोर्ट में होती है, लेकिन हर फिलहाल तुम्हारे ऊपर बंद गई है। तो ये पट्टी खोलो, जाओ ठंडा पानी लो, अभी जाओ इस वीडियो को देखते देखते ठंडा पानी लो, अपने मुंह पे मारो, तो कुल मिला के नींद से जागो। अब आई नो कि तुम्हारे मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि भैया हमने वोट दिया एक सरकार को, हम खुद चुन के लाए, उसके बाद हमारी मदद क्यों नहीं हो रही? ये संस्थाएं बार बार हमारे खिलाफ कानून क्यों बना रही हैं, हमारे खिलाफ चीजें क्यों कर रही हैं? तो इसका आंसर जो है ना, वो खुद से पूछो एक बार कि सरकारें तुम्हारी मदद क्यों करेंगी, या ये जो संस्थाएं हैं वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगी, एक बार इसका जवाब खुद से पूछो। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक सिंगर की डेथ होती है, आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, 5 से 6 जुलाई होगी मेरे ख्याल से। अभी तक लोग अपनी स्टोरीज में, व्हाट्सएप स्टेटस में उस सिंगर की फोटो डाल रहे हैं। एक हमारा लीजेंडरी एक्टर था साथ, जिनकी डेथ हो जाती है, उनके फैंस आज तक ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी जाओ आज ट्विटर डाउनलोड कर लो, दिन भर स्क्रॉल करना, 1 से 2 बार तुम्हें जस्टिस फॉर एसएसआर दिख जाएगा। अब यहाँ पर तुम एक बार खुद करो, तुम्हारे बीच का जब कोई व्यक्ति मरता है, इस तरीके की हत्या उसकी होती, जैसे कन्हैया लाल की हुई, शुभम की हुई, हर्षा की हुई, लावण्या की, छोड़ो मैं गिनाने बैठ जाऊंगा तो भैया दिल निकल जाएंगे। तो तुम्हारे बीच में ऐसे जब किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो तुम कितने दिन उसका माहौल बनाते हो? आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, डेफिनेटली इसको ज्यादा लोग नहीं देखेंगे और अब तो इरेलेवेंट हो गया होगा ये टॉपिक बहुत लोगों के लिए। एक एक्टर की डेथ होती है तो तुम सालों साल खींच देते हो उस ट्रेंड को, लेकिन एक व्यक्ति जो तुम्हारे बीच का था, जो पैसे वाला नहीं था, जो गरीब था, वो मर गया, लेकिन तुम उसके लिए कुछ नहीं बोलते हो। तुम्हारे सेलिब्रिटीज जो तुम्हारे सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर बोला जाए तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, वो अपने साथ वाले एक्टर के मरने पे या फिर उसके जाने पे कंटिन्यू स्टोरीज पोस्ट करते हैं, और अगर कोई उनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से हो जाता तो उस पे स्टोरीज पोस्ट करते हैं। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है, गरीब व्यक्ति की जान चली जाती है, तब कोई पोस्ट नहीं करता। और उसका रीजन यह होता है क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी फॉलोइंग में, तुम्हारे सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूं, उनकी फॉलोइंग में ऐसे लोग हैं जो इसी तरीके की मानसिकता को रखते हैं, और इसी तरीके की मानसिकता जो हत्याएं की जा रही है सर से तन से जुदा बुदा वाली, इसी तरीके की मानसिकता को रखते हैं। और अगर वो इस तरीके की हत्याओं पे बोलेंगे, इस तरीके की हत्याओं पे फोटोज को शेयर करेंगे या फिर जस्टिस की बात करेंगे, तो डेफिनेटली उनका एक फॉलोइंग बेस जो होगा वो गिर जाएगा। ये तुम्हारे बॉलीवुड एक्टर्स जानते हैं अच्छे से, ये तुम्हारे सेलिब्रिटीज इंस्टा वाले, यूट्यूब वाले, ट्विटर वाले जानते हैं अच्छे से। दैट द रीजन वो इस तरीके की हत्याओं पर कुछ नहीं बोलते हैं। और यही रीजन है कि जब तुम है, तुम्हें खुद अपने लोगों की फिक्र नहीं है, तुम अपने लोगों के लिए नहीं बोल सकते, सिर्फ एक दिन ट्रेंड चला के या 2 दिन उस बारे में बात करके भूल जाते हो, तो इन संस्थाओं को क्या करना? उनको भी पता है ना कि ये तो मूर्ख है। हर सेलिब्रिटी छोड़ो भाई, तुमसे खुद स्टेटस नहीं डालते। क्यों? क्योंकि अगर तुम कन्हैया लाल का फोटो डालोगे तो तुम्हारा जो पड़ोसी अब्दुल, उसको बुरा लग जाएगा, है ना? यही तुम्हारी मानसिकता होती है। अगर अब्दुल को इन सब चीजों पर बुरा लग रहा है तो वो भी उसी मानसिकता का है भाई। तुम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते तो किसके साथ हो गए? जब तुम खुद नहीं खड़े हो रहे तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि शासन, प्रशासन या फिर कोर्ट तुम्हारे साथ खड़ा हो? और एक और चीज क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी पे करो, ये सोच के बिल्कुल मत करो कि कोई तुम्हारे समर्थन में आएगा। ना एक और चीज, बड़े होने के नाते तुम्हें समझाऊंगा जो मैंने समझी इतने सालों में, कि देखो भाई, मैं नहीं कह रहा तुमसे कि तुम नुपुर शर्मा को सपोर्ट करो या फिर उसके अगेंस्ट में जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज, बहुत पॉलिटिकल चीज है, वो क्लियरली समझा देता हूँ कि नुपुर शर्मा आज की डेट में एक स्टेट लीडर से, एक स्टेट स्पोक्सपर्सन से नेशनल लीडर बन चुकी है। उसके पास एक पॉलिटिकल पार्टी है जो उनका साथ देगी, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट तो हुआ इस चीज से, चाहे कैसे भी मान लो। थ्रेट्स हैं, नो डाउट थ्रेट्स हैं, और बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं। लेकिन अगर आप बाकी केसेस में देखें, चाहे वो किशन बरवाड का हो, हर्षा का हो, लावण्या का हो, शुभम का हो, या फिर आज की हाल फिलहाल कन्हैया लाल का हो, किसी के भी पैटर्न में तुम्हें कोई पॉलिटिकल लिंक्स नहीं दिखेंगे कि बहुत बड़ा लीडर था इसलिए हो गया, या फिर उसके कनेक्शन अच्छे थे इसलिए हो गया। बुरा हमेशा गरीबों के साथ ही होता है, उसी व्यक्ति के साथ होता है जो व्यक्ति तुम्हारे बीच
तुम्हारे साथ रह रहा होता है। नेताओं के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता, भाई मैं नहीं चाहता कि उनके साथ हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होता। वो आएंगे, तुम्हें भड़काएंगे, तुम उतरोगे रोड पे और उसके बाद सपोर्ट करोगे, कुछ भी करोगे, इन द एंड बुरा तुम्हारा होना, तो बुद्धि तुम्हारी होनी चाहिए। तुम्हें किसको सपोर्ट करना है, तुम्हें एक्सट्रीमिस्ट बनना है, तुम्हें रिटेलिएशन करना है, ये सब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सोचो। कोई सरकार है, कोई नेता नहीं आएगा तुम्हारे पास, मानो या ना मानो, किसी भी नेता के ऊपर बैक सपोर्ट रहता है पार्टी का, तो उसके साथ कुछ करना हंसी खेल नहीं होता। तुम तुम्हारी जान के, तुम्हारे परिवार के खुद जिम्मेदार हो, तो अपनी बुद्धि लगाओ, फैसले लो, क्या सही है क्या गलत है खुद चूज करो। आज का जो हमारा मेन वीडियो था वो इतना ही था। अब बात करते हैं कुछ और जो मेरा पर्सनल मैटर है उसके बारे में। तो गाइस देखो, ऐसा है, पिछले 4 से 5 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूं। 4-5 साल में बहुत लोग मिले, बहुत दोस्त मिले, बहुत ज्ञान भी मिला। आज भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं, मेरे ऊपर कई लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं और मैं उनके नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने इसी तरीके कंट्रोवर्सी करता है, टॉक्सिक है, या फिर जियो जनता वाले भी ज्ञान देखे गए हैं लोग हमें कि इनका डैड हो गया, ये रिवाइव नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनके पास जियो की जनता है, ट्रेंड में, मतलब दुनिया भर की बातें हमने सही है सुनी है। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ अचीव किया। आज की डेट में कंटेंट मैं ऐसा बना रहा हूँ जिस पर मैं खुद प्राउड करता हूँ। मैं लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जा रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में मेरे कंटेंट की जो रीच है खत्म हो चुकी है, लिटरली खत्म हो चुकी है। और उसका रीजन यही कि शायद मेरा चैनल पुराना ही हो सकता है, जो मुझे लगता है और जितना मैंने एक्सपर्ट से पूछा उन्होंने बताया। नाउ तुम किसी भी 1.5 मिलियन वाली वीडियो को उठाओ, उसका लाइक रेशियो देखो, कमेंट रेशियो देखो, कमेंट्स उसके पढ़ो, और उसके बाद मेरी कोई वीडियो 2-3 लाख पे उसको उठाओ, उसका लाइक रेशियो देखो, उसके कमेंट्स पढ़ो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरे कंटेंट की रीच ज्यादा होनी चाहिए, बट कुछ बक्स के चक्कर में या शेडो बैन के चक्कर में नहीं हो रही है। तो अब हमने बना दिया नया चैनल, रेगुलर पोस्टिंग करेंगे उस चैनल पे, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाएंगे उस चैनल पे, जितने कम व्यूज आए कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर ज्यादा रेगुलर हो जाएंगे। हम चाहते हैं शुरू से शुरू करना, जीरो से इस चैनल को शुरू किया था, जीरो से उस चैनल को शुरू करना है। तो अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई, जितने भी लोगों को 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। एंड साथ ही साथ उस चैनल पर स्पॉन्सरशिप नहीं रहेंगे, कुछ और मेथड्स रहेंगे, तुम भी समझते हो क्या, तो अपन उसके साथ उस चैनल को ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। इस चैनल पर स्पॉन्सरशिप की जरूरत है जस्ट का नहीं, लेकिन उस पर नहीं है, उस पर अपन सीधा सीधा कनेक्शन रखेंगे जो भी होगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करी है, 4-5 साल डीएस प्लेटफॉर्म पर, कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फेसबुक पेज का भी लिंक मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, अभी 40-50,000 लाइक है अपने पेज पे। थोड़ा सा अभी मैं कुछ और पोस्टिंग कर रहा हूँ, उस पर भी अपना कंटेंट लाना शुरू करूंगा, तो उसका भी लिंक दूंगा, उस पर एकदम अलग वीडियोस आपको देखने मिलेंगी, जो यूट्यूब पे नहीं रहेंगी, कहीं नहीं रहेंगी, वो आपको फेसबुक पे देखने मिलेंगी, 5-6 मिनट की एकदम सॉफ्ट वीडियो, तो आपको सब जगह का मिल जाएगा। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी भाई कि आपको सपोर्ट करना है, जितना ज्यादा आप लोग मुझे पुश करेंगे, जितना ज्यादा आप मेरे साथ देंगे, उतनी ज्यादा जो आपके भाव है, जो आप बोलना चाहते हो वो मैं बोलूंगा, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास है, उसका यूज मैं आपके आयत बनने का करूंगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। नाउ आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर जल्दी मैं आपको बता दूंगा कहाँ है, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सम्राट गौर नाम है चैनल का, एंड बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है, बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम।